आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं केंद्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 11th 12th एग्रीकल्चर और जिस भी टॉपिक में अगर हमारा कोर्स का चैप्टर आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोई कोई बुक में 1831 भी है, 30 भी है, लेकिन हमारा ऑप्शन के बेस पे 1831 भी हम ज़्यादा प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। अब पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर इसके हम मतलब स्ट्रक्चर को जानेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 में देखा, इन्होंने आकार इसका गोला और अंडाकार बताया। कैसा बताया इसका आकार? इसका आकार गोला और अंडाकार बताया। इन्होंने बताया कि यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा, तो क्या बताओगे जाके? केंद्र। ये जीव द्रव्य की समस्त क्रियाओं को, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म की समस्त क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके चार पार्ट होते हैं, केंद्रकला, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, क्रोमेटिन धागे, केंद्रिका। अब केंद्रिका क्या होती जाके अभी हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। क्वेश्चन आएगा केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो फोंटाना नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। अब इसका हम डायग्राम समझेंगे जाके क्या है। ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक में जी जो नज़र आ रही है क्या? केंद्रिका। इसे केंद्रिक भी कहते हैं, केंद्रिका भी कहते हैं। हमारा जो गोला जैसी झिल्ली नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। तो एक केंद्रक में एक या एक से अधिक भी केंद्रिका पाई जाती हैं। एक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका भी पाई जाती हैं। अब जो आपस में आपको जो इधर से लग रहे नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदप्य जालिका। ये जो अलग से नजर आपको आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो बंदूक सी दिख रही है इन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। देखो हर आपस में क्या है, बंदूक जो दिख रहा है इनको क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स है। उसके बाद देखो, अब जो बाहरी होती है लाइन, केंद्रक की दो भित्ति होती है, बाहरी और अंतः। अब बाहरी क्या है? आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दूसरी क्या है? इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब इनर का मतलब भीतरी, भीतरी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में कहते हैं भीतरी प्लाज्मा झिल्ली, आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव भरा होता है उसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक द्रव्य, और या तो क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों लोग देखो 11 12th वाले दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इस पर नजर रहो। फिर से बताएंगे रखे, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये क्या होता है? एक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, जो एक अंडाकार गोलाकार संरचना में आपको दिख रहा होगा रखे। फिर उसके बाद इसके चार पार्ट होते हैं, केंद्रक कला, जो बाहरी परत होती है केंद्रक कला भी कह दिया जाता है, चलने दो से, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन धागे। अब जो लाइन से आपको जो क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है इनको कहते हैं क्रोमेटिन जाल कहते हैं, या क्रोमेटिन धागे कहते हैं। जो जाल के रूप में पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन धागे। इसको से क्रोमेटिन धागे, जो जाल के रूप में पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। और फिर से देखना, जी जो झिल्ली छोटी सी पाई जाती है उसे कहते हैं केंद्रिक, मतलब केंद्रिका। इसकी खोज फोंटाना ने की थी। अब इसके बारे में बताएंगे रखे, केंद्रक कला जो बाहरी भित्ति होती है केंद्रक कला क्या है? ये केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी भित्ति का आवरण होता है। देखो पहली भित्ति और दूसरी भित्ति, तो केंद्रक कला कौन सी होती है? जो केंद्रक के चारों ओर दोहरी आवरण के रूप में पाई जाती है, इसे केंद्रक कला कहते हैं। जो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, क्वेश्चन आता है केंद्रक कला किसकी बनी होती है, तो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और इसकी बाहरी और भीतरी झिल्लियों के मध्य में खाली स्थान होता है। इसकी बाहरी और भीतरी झिल्लियों के बीच में कौन सा होता है? खाली स्थान होता है। इसकी बाहरी और भीतरी झिल्लियों के मध्य
खाली स्थान होता है और झिल्ली पर छिद्र होते हैं। झिल्लियों पर क्या होते हैं? छिद्र। देखो बुंदी से छिद्र होते हैं और ये क्या होते हैं? जिसके द्वारा केंद्रक और कोशिका द्रव आपस में मिलते नहीं है। मतलब इसमें क्या, केंद्रक और कोशिका द्रव आपस में मिलेंगे नहीं और बाहरी सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। ऐसा क्या बता? बाहरी सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। आगे देखो, हम बता रहे थे कि राइबोसोम्स जो किनारे की साइड में चिपके रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। अब केंद्रक द्रव, नंबर टू हेडिंग क्या है? केंद्रक द्रव। केंद्रक में मिलने वाला या केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव कहलाता है। ये जो बंदूक जैसी रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये क्या? केंद्रक द्रव है। जो केंद्रक के अंतर्गत जो पाया जाने वाला पदार्थ उसे क्या, तरल पदार्थ। कौन सा पदार्थ? तरल पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जिसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, तो केंद्रक द्रव के अंतर्गत क्रोमेटिन धागे पाए जा रहे हैं। केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं जिसमें राइबोसोम्स बिखरे रहते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? बिखरे रहते हैं। अब क्रोमेटिन धागे, केंद्रक द्रव में जो क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं और जिसमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। कौन करता है कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण? क्रोमेटिन धागे। नंबर फोर, केंद्रिका। केंद्रक में जो पिंडनुमा रचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। देखो, केंद्रक के रूप में जो पिंडनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। ओके, आप लोगों को टॉपिक समझ में आया। जय हिंद, जय भारत।